मेरा नाम जयंत मोदी है। नमस्ते जी। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अभी हम जो भी हमारी पार्टी काम करती है तो विपक्षी कहते हैं कि ये हमने किया है या हमने शुरुआत की थी। अब हमारी पार्टी क्या नया काम कर रही है इसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, पहले तो कोई कहता है कि ये तो हमारे समय का काम है, ये तो हमने शुरुआत की है, तो फिर उनको इतना पूछो कि भाई जो एक तरफ तो तुम कहते हो ये हमने किया है, इसकी शुरुआत हमने की, तो फिर विरोध किस बात का करते हो? अगर ये सारा काम तुम्हारा ही हम आगे बढ़ा रहे हैं तो तुम विरोध किस बात का करते हो? और इसलिए मैं समझता हूं कि ये भी हमारे जो आलोचक है, हमारे विरोधी है, ये इनकी कमियों को उजागर करता है। अब जैसे आधार कार्ड की बात आएगी, वो कहेंगे हमने शुरू किया। अगर आप सचमुच में देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसका प्रारंभ हुआ था, इसकी कल्पना हुई थी। ये दिल्ली में मेट्रो की बात आएगी, ये कह देंगे हमने किया, जबकि आपको फोटो समेत सब चीजें उपलब्ध है कि वाजपेयी जी ने इस काम को कैसे शुरू किया था। और इसलिए हर चीज में उनके पास कुछ नहीं है, उनको कल्पना भी नहीं है कि, और इसलिए अगर मानो उन्होंने काम किया, आप जरा 5 कांग्रेस हमारे विरोधियों को बिठाइए, उनको बताइए भाई तुम्हारी 10 योजनाओं के जरा नाम बोलो तो तुमने क्या काम किया था। अब मुझे बताएंगे मैंने रेलवे बजट के समय पार्लियामेंट में कहा है, हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है। अब रेलवे में कोई भी काम होगा तो अंग्रेजों से जमाने से ही चलता आता होगा कि नहीं आता होगा, हर सरकार उसमें सुधार करती होगी, हर सरकार उसकी गति बढ़ाती होगी, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया। पार्लियामेंट के अंदर हमारे रेलवे मिनिस्टर को कहना पड़ा कि पुरानी सरकार ने 1500 से ज्यादा रेलवे के प्रोजेक्ट घोषित कर दिए और कागज पर भी कहीं नजर नहीं आते, बस बोल दिया, तालियां हो गई, काम चल गया। आपके यहां बाड़मेर में क्या हुआ, राजस्थान में फोटो खिंचवाई गई, इतने साल हो गए बाड़मेर फैक्ट्री का कोई काम नहीं हुआ, और उनके वरिष्ठ नेताओं को लेकर के बुला दिया गया। अब जब हम उस काम को कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान करके रास्ते पर ले आए, तो वो कहेंगे ये देखो हमारे पास फोटो है रिबिन काटने की। तो मैं समझता हूँ ऐसे विवादों में समय बर्बाद मत कीजिए। हम पहले जो काम होने चाहिए थे उसको तेज गति से पूरा, मुझे बताइए पहले की सरकार में टॉयलेट बनाने का काम था कि नहीं था? लेकिन टॉयलेट बने, टॉयलेट इस सरकार में बने। ग्रामीण सड़क पहुंचाने का वादा अटल जी की सरकार से मैं चल रहा है, अटल जी ने इसको शुरू किया था। क्या कारण था कि वो अपने कार्यकाल में ग्रामीण सड़क का काम बहुत मंद गति से चलता था, कोई एमपी आकर के जोर लगाए तो 2-4 रास्ते रह जाता था। हमने इस व्यवस्था को बदला, गति बदली, और इसलिए हर चीज को हाथ लगा करके फायदा उठाने की कोशिश, अगर उन्होंने काम किए वो अच्छे होते, उनके काम अच्छे होते, देश की जनता ने उनको निकाल क्यों दिया भाई, देश की जनता ने उनको घर क्यों भेज दिया? और इसलिए मैं समझता हूं कि उनके अपप्रचार में टाइम खराब मत कीजिए। हमने जो सकारात्मक रूप से काम किया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया है, तेज गति से किया है, आधुनिक तरीके से किया है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया है, इन सारी बातों को बिल्कुल कंपैरिजन के साथ, ग्राफिक के साथ, आपको नरेंद्र मोदी ऐप देखोगे तो आपको ग्राफिक मिलेगा, पहले क्या था अभी क्या है, ये करिए, ये सारे बंद हो जाएंगे। अभी आपके यहाँ चुनाव है तो टीवी डिबेट चलेंगे ना, लेके जाइए सब, और सीधा स्लाइड बता दीजिए, ये सब चुप हो जाएंगे जी।